नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। खबर जनपद आजमगढ़ से है, जहां घर से बुलाकर युवक को ऑटो द्वारा दत्तात्रेय ले जाकर गंभीर रूप से हमला कर जान मारकर शव को नदी में फेंके जाने के मामले में सोमवार को मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामले को सुनने के बाद एसपी ने शीघ्र ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए पत्रक में निजामबाद थाना क्षेत्र के परानपुर गांव निवासी पीड़ित हरेंद्र चौहान पुत्र रघुवर चौहान ने बताया कि बीते 4 अगस्त की दोपहर में उसके बड़े भाई धर्मेंद्र चौहान को गांव के ही मनबड़ किस्म के राजेश पुत्र सुमती यादव व रमेश यादव पुत्र रामाश्रय व मारूफपुर गांव निवासी कपिल कुमार पुत्र अज्ञात ऑटो पर बैठाकर घूमकर आने की बात कहकर घर से ले गए। इसके बाद पीड़ित का आरोप है कि उक्त मनबड़ों ने दत्तात्रेय के पास उसके भाई पर प्राणघातक हमला करते हुए उसके आंखों को गंभीर रूप से कुचल दिया। गंभीर रूप से बुरी तरह हमला कर मनबड़ दबंगों ने धर्मेंद्र चौहान को नदी में फेंककर फरार हो गए। इसके बाद लगातार परिवार के लोग उसकी खोजबीन कर रहे थे। इसके बाद 5 अगस्त को दत्तात्रेय में बहने वाली नदी में ही उसका शव गांव के लोगों ने देखा, जिसकी सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस पहुंचे और शव की पहचान धर्मेंद्र चौहान के रूप में हुई। इसके बाद मृत के भाई ने तत्काल इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। हालांकि पुलिस ने किसी तरह तहरीर लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कई बार थाना पुलिस के पास गिरफ्तारी को लेकर मृतक की पत्नी बबिता चौहान थाने पहुंची तो पुलिस द्वारा उसे भगा दिया गया। विवश होकर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिजन पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष हवलदार यादव, महिला जिलाध्यक्ष बबिता चौहान ने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। लोग हमारे भाई को मार के फेंक दिया नदी में। कौन मार दिया? हमारे गांव का और एक बाहर का था। कौन सा थाना? थाना निजामाबाद। अच्छा, तो आप क्या लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर हम लोग, उनकी सजा होनी चाहिए। अच्छा, तो आप लोग यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं तो कप्तान साहब ने क्या कहा? क्या है कि वो लोग गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार एक ही हुआ, अभी देखना पड़ेगा कितना कब तक होता है। यदि आदमी गिरफ्तार हो तो पहले सिलेंडर कर लेते, ले जाते ऑटो में बिठा के। क्या कोई रंजिश थी क्या पहले से भी? पहले से यही सर था कि हमारे भाई, मतलब वो लोग तीनों दोस्त थे तो हमारा भाई कमाता था थोड़ा, तो उन लोगों को पैसा के लिए रख लेने चलता था। तो लोग मतलब घर में लॉकडाउन में बैठे थे, खर्चे के लिए मांगते थे ही। मेरा भाई लगभग 1.5 लाख रुपये उन लोगों को दिया था, वो भी अपने औरत से बताया था, किसी नहीं बताया था, हम लोग से नहीं बताया, उन लोग से बताया कि मैं पैसा दिया हूँ। और ये लोग वो आया लॉकडाउन में पैदल आया, अपने खर्चे के लिए पैसे मांग रहा था, तो उन लोगों को बिठा के ले जाके खिला खिला के नदी में मार के फेंक, ऊपर से बोल रहे हैं सर हमारे यहाँ तक ऐसा भी बोल रहे हैं कि वो डूब के मर गया, कूद के डूब के मर गया पानी में। ये बताइए सर, कोई डूब के मरेगा उसका दांत हाथ पांव आंखें कैसे फूट जाएगी? शरीर फूल के ऊपर आना चाहिए ना, कि पानी पी के मुँह में पानी बिल्कुल भी नहीं गया, ब्लड आंख से निकल रहा है, दांत टूट गया है, पांव टूट गया है, ऊपर से पूरा पब्लिक है, जो भी है सब बोलते हैं कि डूब के मर गया है। तो बताइए सर, डूब के मरा कि हत्या है क्या है? तो हमको इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ देने के लिए। सब जो बड़े बड़े लोग हैं बोलते नहीं ऐसा है वैसा करके, हमारे भाई का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गलत दे दिया, बिल्कुल सब जगह पूरा डॉक्टर से लेकर था हर चीज़ बिक गया है, गरीब आदमी सुनवाई बिल्कुल नहीं यहाँ पे है। जो भी है हम लोग नहीं होगा तो हम लोग अपने माननीय श्री योगी जी के पास जाएंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो। हमारे भाई का जो भी सब टूटा पोस्टमार्टम में, वो इतना खाली दिखाया कि ब्लड आ रहा और कुछ भी नहीं। अगर मान लो सर नदी में कोई आदमी कुछ भी फेंकेंगे डूबेगा तो उसके मुँह में अंदर पेट में पानी जाना चाहिए, पेट में पानी बिल्कुल नहीं गया, मुँह बंद का बंद है और दांत सब टूट गया, और जो घुटना यहाँ से पाँव टूट गया, सर पीछे फटा और पीछे पीठ फट गई है, और आंखें दोनों फूट गई, लेकिन फिर भी लोग उनको बोल रहे हैं डूब के मर गया है। पूरा जो यशो, तो पहले ही यशो को कहाँ खबर हो गई, हमारे भाई डेड बॉडी भी नहीं बोलते, तो अपने पीछे की नदी में डूब गया है। डेड बॉडी मिलने से पहले वो लोग अनुमान लगा कि पूरा पेपर हर चीज़ में निकलवा दिए, न्यूज में फैल गया, हम लोग को कुछ पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। ऊपर से जाओ, अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कैदी को पकड़ने के लिए, तो कैदी को वो लोग खुद बोल रहे हैं जाइए आप पकड़ के लाइए, हमको दीजिए तो हम कार्रवाई करेंगे। और हमारे यहाँ जितने जो चेयरमैन हैं उनके घर में खुद कैदी 2 दिन 3 दिन रह चुके हैं, लेकिन वो चेयरमैन बोलते हैं हमको अभी आए हैं, बोलते हैं कि हमको पता नहीं है मर्डर हुआ है। हमारे निजामाबाद के चेयरमैन को पता नहीं, पूरा निजामाबाद से आजमगढ़ में शोर हो चुका है, लेकिन चेयरमैन बोलते हैं हमको कुछ भी नहीं पता है कैसे मर्डर हुआ है। और जो है ना वहाँ का जो जिस मंदिर को ले जाकर लोग मार के जहाँ नदी फेंके, वहाँ का पंडित भी देखा है, वो बोलता है कि ऑटो वाला लेके आया और जो साथ में थे वो कंधे पर लात ले जाकर नदी में फेंक दिए, और जल्दी में उनका पैंट खींच लिए क्योंकि मोबाइल निकल गया, बाकी टी शर्ट और क्या सब पड़ा है, मोबाइल भी गायब कर दिए, मोबाइल में गाली भी दिए वो लोग हैं जब बुलाए घर से, तो उसकी वाइफ भी जानती गाली दिए हैं,
लेकिन कुछ सबूत ही नहीं मिला। हम लोग गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये कहीं अध्यक्ष जी है लेके आए यहाँ तक, आगे देखो होता है क्या। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।